हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अपडेट। गाइस, यहाँ पर देखिए, आप लोगों के लिए नया वैकेंसी आया है, अभी स्टार्ट हुआ है, कुछ ही दिन हुआ है, एक दो दिन। यहाँ पर देखिए, ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड, कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट, ठीक है। रिक्रूटमेंट 2023, कोस्ट गार्ड CGCAT, ठीक है। शॉर्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाके डाउनलोड करके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन बिगन देखिए 25 से स्टार्ट हुआ है, लास्ट डेट अगले मंथ का 9 तारीख तक चलने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए, जो पोस्ट है, ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड AC, जो एफिड नंबर दिया गया है, ठीक है। 71 पोस्ट है, जनरल ड्यूटी GD होता है, जनरल ड्यूटी, एंड CPL SS है 50 पोस्ट, टेक्निकल इंजीनियरिंग 20 पोस्ट, एंड लॉ एंट्री में एक पोस्ट। टोटल बहुत पोस्ट में आया है, ठीक है, 121 पोस्ट में टोटल वैकेंसी आया है। जनरल ड्यूटी के लिए जो GD होने वाला है, उसका बैचलर डिग्री विथ मिनिमम 60% मार्क्स इन ऑल सेमिस्टर में होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैथ फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट 10+2 लेवल में होना चाहिए, उसमें मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कमर्शियल पायलट में इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, 10+2 होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं 60% मार्क्स के साथ। टेक्निकल के लिए BBTEC होना पड़ेगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ओनली फॉर मेल, ठीक है। और टेक्निकल इसमें भी मेल ओनली, और इंजीनियरिंग डिग्री रहेगा तो आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। लॉ एंट्री में बैचलर डिग्री इन लॉ विथ 60% मार्क्स होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा कुछ दिया नहीं गया है इधर। एप्लीकेशन फीस 250 रुपीज़ होने वाला है, SC ST के लिए 0, ठीक है, कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और ज़्यादा कुछ इधर दिया नहीं गया है, आपके जो जो डॉक्यूमेंट्स है उसके हिसाब से आप अप्लाई कर दीजिएगा, फिर उसका प्रिंट आउट अपने पास रख दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।